नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता। स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल अनीताज कुक हाउस में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आम की बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने दो कच्चे आम लिए हैं, इनको छील काट के तैयार कर लेंगे। पहले आप चाहें तो छिलनी से भी छील सकते हैं। अभी छिल गए हैं, इनका गूदा निकाल लेते हैं इस तरह से, गुठली अलग कर देंगे। ये सारा गूदा मैंने निकाल लिया है, अब इस गुठली को फेंकेंगे नहीं, दाल में डाल देंगे तो दाल बहुत टेस्टी हो जाती है। ये दोनों आम का मैंने गूदा निकाल लिया है, अब इसको डाल देंगे एक छोटे से भगोने में। अब इसमें डालेंगे एक कप पानी। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब भगोने को मैंने गैस में रख दिया है, गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम में कर दिया है। अब इनको 5 मिनट बॉयल होने देंगे, तब तक ढक देते हैं। अब बीच बीच एक दो बार चला देंगे जिससे बराबर से पक जाए। 5 मिनट हो गए हैं, आम को देख लेते हैं। अब एक फॉर्क से चेक कर लेंगे कि आम पका है कि नहीं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है। अगर आपको लगे कि कम पका है तो 2 मिनट और पका सकते हैं। अब गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसको पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। अभी आम पूरी तरह ठंडा हो गया है, ये देखिए। अब इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अब इसको डाल लेंगे एक मिक्सर जार में। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार काला नमक, थोड़े से पुदीना के पत्ते, 2-3 पिंच काली मिर्च पाउडर। अब इसका पेस्ट बना लेंगे, पीस लेते हैं। अब इसका पेस्ट बन गया है, अब इसको ट्रांसफर कर लेंगे एक बाउल में। अब 2 ग्लास लेंगे, अब इसमें आइस क्यूब डाल देते हैं। अब इसमें आम के पेस्ट को डाल देंगे 1 चम्मच भर करके, 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा भुना जीरा और डाल लेते हैं। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, अगर मीठा पसंद करते हो तो 1 चम्मच चीनी डाल लीजिए। अगर नमक कम हो तो नमक भी थोड़ा सा डाल लीजिए, काला नमक, लेकिन अभी नहीं डालेंगे, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अब इसमें डालेंगे पानी, ठंडा पानी डाल लेंगे। अब इसको घोल लेते हैं। ये आम की सिकंजी गर्मियों में बहुत फायदा करती है, बॉडी को अंदर तक ठंडक पहुंचाती है और लू से भी बचाती है। आपको खट्टा मीठा पसंद हो तो चीनी जरूर डालिए, उससे और अच्छा टेस्ट हो जाता है। मेरा सिकंजी बनाने का तरीका पसंद आए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। अभी अच्छे से घुल गया है, अब इसको ठंडा ठंडा सर्व कीजिए और गर्मी को एंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।